हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। साथ ही इन केस ऑफ और इन द केस ऑफ, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू इन्हें समझते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, इन केस ऑफ प्रॉब्लम इन्फॉर्म मी अबाउट इट। मैं किसी से कह रहा हूँ यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सूचित करें। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, वाहन में लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट होती है, तो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ब्रेक दिस ग्लास। इस तरीके से फ्यूचर में कोई घटना हो, उस केस में, उस मामले में कोई एक्शन लिया जाए, तो इन केस ऑफ का यूज़ करते हैं। टुडे मेनी पीपल टोल्ड मी अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। बट इन द केस ऑफ योर प्रॉब्लम आई कांट डू एनीथिंग। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम की बात करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यानी इन द केस ऑफ का प्रयोग हम स्पेसिफिक कोई बात करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर बात को लेकर हम इन द केस ऑफ का यूज़ करते हैं। हम इन द केस ऑफ से रिलेटेड और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कहें मेनी स्टेट्स ऑफ अ कंट्री आर अंडर फ्लड, ओके, बट इन द केस ऑफ केरला इट इज़ द वर्स्ट एंड गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्पेशल इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन केरला। इन द केस ऑफ का यूज़ हम स्पेसिफिक कोई बात करने के लिए करते हैं, एक एग्जाम्पल देने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए हम यूज़ देखते हैं इन फ्रंट ऑफ एंड इन द फ्रंट ऑफ का। एग्जांपल लिया हमने, द बस कुड नॉट मूव फॉरवर्ड बिकॉज एन ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। सिचुएशन ये है कि बस जा रही थी कहीं और रास्ते में कोई ओल्ड लेडी आ गई, तो बस वहीं रुक गई और आगे नहीं जा पाई, क्योंकि वो ओल्ड लेडी जो थी बस के सामने रोड पर बैठी थी और इसीलिए बस आगे नहीं जा सकी। तो इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है किसी के सामने, लेकिन वह जो सामने वाला पोर्शन होता है उसका हिस्सा ना हो, जैसे रोड में बैठी थी बस में नहीं। और दूसरा एग्जांपल है, आई वॉज एबल टू सी द ओल्ड लेडी बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस। मैं उस ओल्ड लेडी को देख सका, उस लेडी को देख सका कि रोड पर बैठी थी बस के सामने, क्योंकि मैं बस के अगले हिस्से में बैठा था। यानी ड्राइवर जहाँ बैठता है उसी के पास में बैठा था, मीन्स मैं बस के ही हिस्से में बैठा था, उसके फ्रंट वाले पोर्शन में, आगे वाले हिस्से में बैठा था, और इसलिए मैं उस ओल्ड लेडी को देख सका। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ आई एम सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ माय हाउस, इट मींस आई एम सिटिंग इन द फ्रंट रूम ऑफ माय हाउस, ओके। लेकिन जब मैं कहता हूँ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, मींस आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, मींस आई एम नॉट सिटिंग इन द फ्रंट रूम ऑफ माई हाउस। द प्लेस आई एम सिटिंग एट इज सेपरेटेड फ्राम माई हाउस, इट्स नॉट अ पोर्सन ऑफ द हाउस। द प्लेस आई एम सिटिंग इज नॉट अ पोर्सन ऑफ द हाउस, ओके, इट इज एट अ डिस्टेंस फ्राम माई फ्रंट रूम, ओके ओके। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon so that my new uploads reach you, and thank you.